तुरई की सब्जी बहुत ही टेस्टी और आसान होती है। इसे एक बार इस तरीके से गाढ़ा और अच्छा लपेटादार बनाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे बनाने के लिए मैंने कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखा है, जिसे आप भी फॉलो करेंगे ना तो ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और इसमें मैं बीच में एक आध बार आप लोगों के साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी, जिससे कि आपको ये सब्जी बनाने में बहुत ही आसान और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज जो तुरई मैं बनाने जा रही हूँ ना, ये है रीचगढ़, और सही तुरई का चयन करना भी बहुत ज़रूरी है। आप इस तरीके का पतला तुरई लीजिए जिसमें बीज ना के बराबर हों। अगर आप ज़्यादा मोटे और बड़े तुरई लेंगे ना तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है, और हमने यहाँ पर जो है तुरई को छील लिया है। एक और तरह की तुरई होती है जिसे स्पंज कट कहते हैं, उसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर करी हुई है, अगर आपको पसंद है तो आप उसे देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमारी तुरई छिल चुकी है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने कट किया। आप चाहे तो ना इसे गोल गोल भी कट कर सकते हैं, बट मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। कोशिश करें कि आप इसके ज़्यादा बड़े पीसेस कट ना करें, छोटे पीसेस में अगर आप कट करके इसे बनाएंगे ना तो इसका स्वाद और भी अच्छा लगेगा। और अगर इसमें बीज निकलते हैं बड़े बीज, तो आप इसे चाकू या चम्मच से निकाल कर अलग कर दें। मैंने तो यहाँ पर इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट किए हैं, क्योंकि मुझे ये ऐसे ही पसंद आता है। तुरई बहुत ही अच्छा सोर्स है आयरन और विटामिन सी का, और जब से मैंने इस मेथड से इसे बनाया है ना, तब से मेरे घर में कोई भी नखरा नहीं करता है और सब इसे खाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि ये सब्ज़ी बहुत ही लो कैलोरी है और फाइबर इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में है। तो अगर आप डाइट में हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप इस सब्ज़ी को ईजीली बना सकते हैं। कटिंग तो मेरी सारी हो चुकी है, तो सारी कटी हुई तुरई को मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसमें एक छोटा चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच हल्दी इसके ऊपर डाल दूँगी। इस प्रोसेस को आप ज़रूर करें, क्योंकि जो तुरई होती है ना, उसमें थोड़ा कस्सापन, जो कड़वापन होता है ना, थोड़ा बिटरनेस इसमें होता है। तो इस प्रोसेस को आप ज़रूर करें। इससे क्या होता है, जब हम इसे रब करते हैं तो इसका कस्सापन जो है वो चला जाता है। आप इसे एक दो मिनट के लिए हाथों से इस तरीके से रब कर ले, इससे इसका कस्सापन तो चला ही जाएगा और टेक्स्चर भी इसके कारण बहुत अच्छा आएगा। आप इसमें पानी डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, मिनिमम 10 मिनट के लिए, और तब तक आप सारी सब्जियों की प्रिपरेशन कर ले। तब तक जो हल्दी और नमक है वो भी अपना काम कर देगा। अब मैंने चना दाल लिया है आधा कप, जिसे मैंने 1 से 2 घंटे के करीब सोख करके रखा था। अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप इसे आधे घंटे के लिए भी सोख कर सकते हैं। आप इसमें गर्म पानी डालकर सोख करें, और ये देखिए यहाँ पर जो चना दाल है वो आराम से टूट जा रहा है, मतलब ये अच्छा सॉफ्ट और फूल गया है। अब हम यहाँ पर सारी सब्जियों की तैयारी भी कर लेते हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के अनियन यहाँ पर मैंने लिए हैं, जिसे मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर इसे मैंने स्लाइसेस में कट किया है, क्योंकि इसे हमें आगे फ्राई करना है। प्याज तो रेडी है। उसके बाद यहाँ पर 10 लहसुन की कलियाँ ली है मैंने, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 हरी मिर्ची और थोड़ी सी करी लीव्स भी ले ली है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिया है और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच भरकर ऑयल डाला है, और आप चाहे तो थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस टेक्स्चर में ही थोड़ा अंतर आएगा और हमें हेल्दी भी तो बनाना है। और उसके बाद जो है मैंने स्लाइस्ड अनियन जो कट करके रखे थे उसे डाल दिया है, और इसे हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज जो है हमारे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, इसे मैंने स्ट्रेनर में डालकर ऐसे छान लिया है और पूरा ऑयल निकाल दिया है, और इसमें जो तेल बचा है ना, हम उसी से ही सब्जी प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ जो प्याज फ्राई किया था, इसे मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है, और जो 3 मीडियम साइज टमाटर थे उसे भी मैंने इसमें कट करके डाल दिया है। आप चाहे तो सब्जी में प्याज को काट कर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इसे पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे यूज़ करेंगे ना तो इसके टेस्ट में बहुत अंतर आता है और सब्जी का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा बढ़िया हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा पेस्ट बनकर रेडी है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा स्मूथ पेस्ट मैंने इसका तैयार कर लिया है। और जो भीगा हुआ चना दाल है ना, उसे मैंने 2 टेबल स्पून लिया है और इस पेस्ट में डाल दिया है, और इसे भी हम एक बार अच्छे से फिर से फाइन पीस कर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से जो है ये पीस कर तैयार हो गया है। ऐसा आप करेंगे ना तो आपकी जो ग्रेवी है बहुत ही रिच, गाढ़ी और लपेटेदार बनेगी, और खाने में जो है इसका स्वाद बहुत ही
बढ़िया लगेगा। और आते हैं आप बाकी के भी प्रिपरेशन में, तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली है और इसे अच्छा बारीक कट कर लिया है। अदरक लहसुन सबको मैं ऐसे बारीक कट कर लूँगी। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, पीस भी सकते हैं, लेकिन सभी को आप दरदरा पीसे, उससे जो है इसका टेस्ट और अच्छा आता है। सारी सब्जियों की जो प्रिपरेशन है वो मेरी डन हो चुकी है। तो जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था उसी थोड़े से तेल में जो बचा हुआ है उसमें मैंने आधा टीस्पून सरसों डाला है, 1 टीस्पून भरकर मैंने जीरा डाला है और 1/4 छोटी चम्मच के करीब मैंने हींग डाला है। जीरा सरसों क्रैकल हो जाए तब यहाँ पर सूखी मिर्च और थोड़ी सी करी लीव्स, अदरक लहसुन मिर्च को जो हमने काट के रखा था उसे मैंने इसमें डाल दिया है। 1-2 मिनट के लिए हमें इसे बस फ्राई कर लेना है और उसके बाद जो हमने तुरई काट के रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे और तुरई को हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। अदरक लहसुन मिर्च और बाकी जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाली है ना उसके साथ जब हम इसे भूनते हैं ना तो इसका फ्लेवर कोई एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तुरई को हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है क्योंकि ये रेशेदार सब्जी होती है और इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखिए यहाँ तक इतना सॉफ्ट होने तक हमें इसे भूनकर तैयार करना है और इसके बाद जो है हम कुछ मसाले इसमें डालेंगे। 1 और 1/2 छोटी चम्मच काश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच रेड चिली और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर। इन सारे मसालों को मैंने इसमें डाल दिया है। कोई भी फैंसी मसाले यहाँ पर यूज़ नहीं किए हैं मैंने, बहुत ही नॉमिनल मसालों को ही मैंने इसमें डाला है। मिर्च को आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन बाकी मसाले आप इसमें इतने ही डालें। और यहाँ पर मैंने थोड़ा गर्म पानी ऐड किया है, जो दाल वगैरह हम लेते हैं ना उस चम्मच से ही मैंने इसमें 1 चम्मच जो है गर्म पानी डाला है। मसालों को भुनने के बाद ही आप इस पेस्ट को डालें और जब मसाला भुन जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि साइड में जो है थोड़ा ऑयल आपको दिखने लगेगा। अब इसे हमें 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भुनना होगा क्योंकि इसमें टमाटर भी है, प्याज भी है और दाल भी है, तो आप इसे अच्छे से भून लें। इसे भूनते समय आप ये ध्यान रखें कि ये तले से लगता भी है तो आप इसे छोड़े ना, इसे आप चलाते रहे क्योंकि इसमें प्याज है, टमाटर है, दाल है, तो हमें इसे अच्छे से भूनना है। और जैसे ही हम इसे भून लेंगे उसके बाद जो है हमें चना दाल इसमें ऐड कर देना है और इसे हमें एक अच्छा सा मिक्स देना है। यहाँ पर जो है चना दाल को मैंने ऐसे ही इसमें डायरेक्ट डाल दिया है, आप चाहे तो पहले उसे बॉयल करके भी डाल सकते हैं। और इसके बाद जो है मैंने 1 से 1.5 कप के करीब जो है गर्म पानी इसमें डाला है। आप गर्म पानी ही इसमें डालें, इससे क्या है टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है, ठंडा पानी का यूज़ ना करें। और इसके बाद इसे अच्छा मिक्स दिया है, आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अब इसे ढककर मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। आप अगर इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे ना तो 2 से 3 सीटी में ही बनकर रेडी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए इसका टेक्सचर, इसकी ग्रेवी सच में बहुत ही रिच ग्रेवी बनती है और बनने में बहुत ही लपेटादार। और यहाँ पर देखिए जो चना दाल है बिल्कुल हाथों से इस तरीके से दब रहा है, मतलब जो चना दाल भी अच्छे से पक चुका है और हमारी सब्जी भी जो बनकर है वो रेडी है। और यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता यहाँ पर बारीक चॉप करके मैंने ऊपर से डाल दिया है। अगर आपको इस सब्जी का पूरा पूरा और अच्छा स्वाद लेना है ना तो आप इस सब्जी को गर्मा गर्म खाएं, जिससे इसका स्वाद जो है ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे लंच में, डिनर में, पूड़ी, पराठा, रोटी किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो ना तो 1 लाइक तो बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। तो बनाओ, खाओ, एंजॉय करो। टाटा, बाय बाय।